तो काफ़ी ज़्यादा लेट होने के बाद हमें फाइनली फ़्लाइट मिल ही गई, क्योंकि हम एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे। और हमने उड़ान भर ली है एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, वहाँ का खाना बहुत 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 ज़्यादा मीठा है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, तो चलते हैं मिलने उनसे। और चलिए भाई साहब, उड़ान भरिए और इसे हवा में ले चलिए, चलिए चलिए। तो फ़्लाइट में बैठने के बाद मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है और इसमें मैं कर रहा हूँ हॉन्टेड वीडियोज़ एडिट, जो कि आपको दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबू। और रात भर सोया नहीं, पैकिंग भी जल्दी जल्दी मैं कर ली, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही मेरी फ़्लाइट थी। और चल रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। और मेरे चेहरे पे देखिए कितनी थकावट है। तो फाइनली अब हम फिर से पहुंच गए हैं अहमदाबाद। काफ़ी टाइम बाद मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। आप सभी ने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके देख लेना। और जस्ट अभी हमने यहाँ पे लैंड किया है। अब मैं टैक्सी या ऑटो जो भी मेरे को मिलेगा मैं उसका वेट कर रहा हूँ। फिर से आए बाबू घूमने, क्या है क्या बदला है तो वो सब देखेंगे। और फाइनली हमने चेक इन कर लिया, होटल में आ गए हैं और ये रहा हमारा होटल। ज़्यादा बड़ा टूर नहीं दिखाऊंगा, अच्छा रूम है, अपग्रेड कराया है। और ये रहा इसका वॉशरूम, बाकी बड़ा क्लासी सा लग रहा है इसका इंटीरियर जो है ना। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि सामने बताता हूँ क्या है, सामने है रिवर फ्रंट। और एक्चुअली मेरे को वो व्यू चाहिए था, तो फिर यहाँ से पॉसिबल हो गया, तभी मैंने रूम को अपग्रेड कराया, एक नॉर्मल रूम था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा ना, वहां पे एक चीज हुई, मैं आपको बताता हूँ। मतलब कैब वाले इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं लेमन ट्री, हमने ये होटल को किया जो रिवर फ्रंट के सामने, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, 800 700 900। उनको लगा जैसे पता नहीं कौन आ गया हो या क्या ऐसी चीज हो गई हो। फिर आज कह रहा भाई बताओ, इंडिया ने हमसे 900 1000 रुपए मांग रहे हैं। फॉरनर होते ना तो हम लोग छीन लेते, मतलब हमसे 2 4 हजार रुपये ले लेते वो। फिर हमें मतलब टैक्सी मिल गई थी, 400 रुपये हमसे लिए थे और फिर हम यहाँ पे आ गए। और अभी हम भावना का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएगी जैसे ही आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा। और जिसने नहीं देखा उन सबको बता देता हूँ, भावना मेरी फ्रेंड है जो अहमदाबाद में रहती है। तो वैसे मैं यहाँ पे 3 4 बार तो आ ही चुका हूँ और आज देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, घूमेंगे ऐसे ही। बाकी बस मन कर रहा था, मैंने आपको हमेशा से बोला कि हमेशा घूमना चाहिए इंसान को, और मैं अपना मन मारता नहीं हूँ, तो बाबू मैं इसलिए यहाँ पे घूमने आया हूँ। तो अब निकलेंगे, अब उनका वेट कर रहे हैं, वो कार आएगी फिर हम जाएंगे, फिर घूमी घूमी खड़ेंगे हम, फिर एंजॉय करेंगे। तो अभी हम एक जगह पे आ रखे हैं, ये अहमदाबाद में मिर्ची मसाला कोई जगह है, भूख लग रही थी, अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है देखो। अब देखते हैं बाबू क्या खाएंगे यहाँ पर, जो भी खाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। और खाने के बाद कहीं जाएंगे घूमने, भावना जी भी आ ही रही हैं बस अभी। तो बाबू फाइनली अहमदाबाद पहुँचे और भावना जी मिल गए। और कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। इतने दिन से कहाँ थे, कैसा चल रहा है? मैं तो नहीं रहा थी, ये जरा थोड़ा मनाली वगैरह मनाली अभी जी। तो बस अभी ये लंच के लिए हम यहाँ पे आए, ये मिर्ची मसाला एक जगह है और ये लेके आई है, इसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, साइंस सिटी जाएंगे वहाँ पे। और बताइए बाकी सब कैसा चल रहा है? बाकी सब बढ़िया। और आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। तो हमने पूछ लिया तो आप सभी ने देखा होगा कि लास्ट वाले व्लॉग में ये वही भावना जी हैं, और थोड़ा सा थोड़ा सा गुस्सा ही आकाश से अभी। क्यों? आकाश थोड़ी सैड सैड स्टोरियां डाल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, इसलिए आशिक हो रखा है। तो कमेंट करके आप भी पूछ सकते हैं। देवदास हो रखा है। तो अभी हम यहाँ से लंच करके कहीं जाएंगे घूमने और फिर देखते हैं क्या करना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो हमने अभी ऑर्डर किया है प्लेन रोटी, बटर पनीर मसाला, छाछ, पापड़ और ये मिर्ची आकाश जी को देने के लिए हाथों में। मैं खाऊंगा ये। खाने के लिए नहीं दे रहा ना, अब अपनी प्लेट में रख लो। और बहुत भूख लग रही है भाई। तो अभी हम आ गए हैं अहमदाबाद के फेमस फिश म्यूजियम में, और देखिए यार यहाँ के नज़ारे लीजिए, ज़रा कुछ दिखा दें आपको अलग अलग दुनिया की मछलियाँ, बोले तो फिश।
भाई अभी हमने टिकट ली है और हम आए हैं साइंस सिटी में। वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप साइंस के स्टूडेंट हो, और इनका तो स्ट्रीम लेने से मना कर दिया था, इनका तो मना ही कर दिया था कि वो अलाउड नहीं है, ये पढ़ाई कर दी मैंने। फीस थी या क्या, मतलब फीस की प्रॉब्लम तो नहीं थी? फीस की प्रॉब्लम नहीं थी, फिर शक्ल देख के बोला वो स्ट्रीम नहीं देगी, आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, जो जो चूज कर लीजिए। तीन से जैसे मेडिकल मिलती है, नॉन मेड मिलती है, कॉमर्स मिलती है, आर्ट्स मिलती है, उससे नीचे की चूज कर लो, उससे नीचे वोकेशनल होती है, तो वही चूज कर लो। तो फिर इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये एक्चुअली साइंस म्यूजियम है, रोबोटिक गैलरी है ये, और मोदी जी ने बनवाई है। बहुत डेवलपमेंट किया मोदी जी ने गुजरात में, अच्छा लग रहा है देख के। और ये देखें, अभी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या क्या है, मुझे तो अभी रोबोट से क्या क्या होगा, क्या करते हैं भाई। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ यहाँ का। मैं आपको सारी टेक्नोलॉजी बताऊंगा जो मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, तो मैं उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ, और जो मुझे पता नहीं। ये स्पेस रोबोट है, ये तो आप देखते रहते हो मूवीज में क्या होता होगा, है ना, वो तो आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। हाँ मतलब मजाक करो, मुझे पता है आप स्पेस के बारे में तो सभी आप मूवी देखते रहते हो। ये DRDO रोबोट है, ये ICU है यहाँ का, हमारे ये रोबोट है, ये रोबोटिक है, और ये तो ये एग्रीकल्चर रोबोट है, यहाँ पे ये खेती खुद कर देते हैं, किसान की जरूरत नहीं है। और ये देखो ये रोबोट, भाई मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा जो जो है यहाँ पे। बैंड बाजे वाले जितने होते ना, ये वो वाले रोबोट है। यहाँ पे आपको शादी में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, बैंड वालों को, ये खुद ही बजा जाएंगे, और बढ़िया बजाते हैं, बजाने में देखो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेहनत से बजाएंगे, दिल से बजाएंगे, इन्हें पैसे का तो कोई लालच होगा नहीं, ना इन्हें पैसे चाहिए। तो ये भी जो भी काम करेंगे, जो भी बैंड बजाएंगे किसी भी शादी में, तो दिल से काम करेंगे, मतलब दिल भी नहीं है, मशीन से जो भी काम करेंगे तो पूरा काम करेंगे, काम की 100% जिम्मेदारी लेंगे। देखो किस तरीके से बजा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी के बोलते गोल्डन वाले को जो भी है बाजा, और ये क्या है, ये फूक नहीं, वो घर पे नाम बोलते हैं नहीं, पियानो, पियानो, सॉरी हाँ ये पियानो है। और ये तो सारे बस ये समझ लो ये ऐसे ही है, तो लाइट वाइट लेके बैठे होते हैं ये, वो नहीं आ रहा लाइट नहीं, और वो साइड में ड्रम बजा रहा है भाई अपना, और ये डिस्को लाइट भी, ये भी सब भाई देख लो यार, देश तरक्की पे, एंटरटेनमेंट रोबोट लिखा भी है सामने। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग है, बाकी बहुत बड़ा है। और ये एक मशीन बना रखी है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झूठ बोले तो उसका टेस्ट कराने के लिए आप सेकेंड फ्लोर पे आ सकते हैं, मशीन है, सही कह रहा हूँ ना, आपका टेस्ट कर, बॉयफ्रेंड नहीं लेकिन उसके टेस्ट को, बॉयफ्रेंड नहीं आपका, नहीं वो तो मुझे भी पता है आप बहुत शरीफ हो। चलो यार अब वहाँ चलते हैं मंगल पे, तो हम ये मार्स म्यूजियम में आ गए, मतलब क्या ही मार्स साइंस वाली जगह पे आ गए। तो भाई मेरी मम्मी को बता दियो मैं मार्स पे जा रहा हूँ, और जब भी वापस आऊँगा तो पता ही चल जाएगा, ठीक है, बटन दबा रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ। यही रह गए, कोई मार्स और से गई नहीं, तो दूर से घुमा दिया, देखना बटन दबा दिया था जैसे यहीं से मार्स पहुंच जाऊंगा। क्या है चढ़ना, मैं देखो वेट 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 मुश्किल है।
हमारा बदन इतना है ना, तो बातें भी इतनी है हमारी, तो सोच समझ के बोला करो आप लोग, कुछ ना कुछ मजाक करो यार। ये देख लो, ये इस पर मार्स पे पहुंचे, ये तो मार्स पे जाएंगे भाई। Prime Minister of India since 2014. He was the Chief Minister of Gujarat from 2001 to 2014 and a member of the Bharatiya Janata Party and Shri Narendra Modi. The people of India see a dynamic, decisive and development-oriented leader who has emerged as a ray of... Masala dosa. But don't trust us. See what Kerala child care don't programs and Kerala parents say. What do I need? Yes, started with him who opens the wireless internet. Yeah, okay. 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 Do you know me? Do you know me? Martin is an engineering driven music technology company based in Cambridge, Massachusetts. We are actually driven to create products that help you. Hi, nice to see you. Who is Balat Singh? You said play store. I'm Pushna, who is Balat Singh? Enjoy millions of the latest Android apps, games, music. Yeah, so I'm not going to do anything. Anywhere across your devices. Ma'am, we lost. Who is Balat Singh? You said it was my God say. You. Yes. Sorry, could you speak more slowly, please? नहीं पता, इसीलिए वो ऐसा बोली। नहीं पता। हम ये तो सिखाना चाहिए उसको। अभी हिंदी गुजराती वाली भी बना रहे हैं। So now in Canada, ठीक है। अभी प्रोसेस में है, तो वो सब उसमें डालेंगे। भगत सिंह के बारे में नहीं बता पा रहे थे तो इसलिए हम वापस आ गए, और बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रखी नरेंद्र मोदी जी की थी। आपके गुजरात के हैं तो भाई उनको तो ये सब कुछ पता ही होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब आप लोग को ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चल रहा है काम उस पर। हाँ हाँ, आप तो गुजराती हो, आप तो गुजरात को ही सपोर्ट करोगे। मैं गुजराती नहीं हूँ। हाँ तो रहते तो यही हो ना। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री का सपोर्ट। अरे बाबू, नहीं तो सपोर्ट वाली बात अलग है, मैं कह रहा हूँ कि सबको सिखाना चाहिए। तुम मुझे बदतमीजी देखा था कैसे कर रही थी, घूर रही थी वो। हाँ। जो घूरेगा ना वो घूर लो भाई, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो फिर से पहुंच गए हैं हम साबरमती रिवर, और ये रहा फ्रंट व्यू का व्यू, फ्रंट व्यू का व्यू है ना, होटल और ये पीछे मेरा होटल है। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं नेहरू ब्रिज के पास रुका हुआ हूँ, सामने वो ग्रीन ग्रीन जो बोर्ड पे लाइटें चमक रही ना वो मेरे होटल की है, और वहीं पे सामने रूम है, अगर हो सकता तो दिखा देता। तो नज़ारा बड़ा मस्त है, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। बोल लो बोल लो। क्या बोलूं? कुछ तो बोल लो यार, आज आज बोल लो, तुम्हें माँ की कसम आज बोल लो। और बोलो क्या? अरे कुछ भी बोल लो, आज कुछ बोल लो। आज बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुने सागर जी को। अरे कुछ अनकही बातें आज पता चल गई। अरे रे 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 रे, अरे कुछ नहीं, मैं स्कूल की बात बता रहा था। अच्छा, पर्सनली डीएम करना बताओ। हाँ भाई, फॉलो कर लेना मैडम को।
मैडम राजनेता है बहुत मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक दो लोगों को आना है और उनसे मिलेंगे, फिर होटल जाएंगे। 3 बजे से उठा हुआ हूँ, 3 बजे से कंटिन्यूसली आंखें खुली हैं, बंद नहीं हुई। तो बस होटल जाएंगे, फिर वहाँ पे सोएंगे, फिर कल सुबह कहीं घूमेंगे फिरेंगे, नहाएंगे गाएंगे। भाई धवल भाई मिलने आए हैं अभी हमसे रिवर फ्रंट में, और काफ़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आए भाई? रानीप से। रानीप से? तो भाई बोल रहे थे मिलने के, लास्ट टाइम भी रह गया था मिलना, तो इस बार पॉसिबल हो पाया तो हमें मिले। और भाई कुछ लेके भी आए हैं, ये बड़ी फेमस मिठाई लेके आए हैं भाई। अंजीर की, मोहनलाल की अंजीर की। अच्छा, ये मोहनलाल की अंजीर की मिठाई है, काफी फेमस है। हमारे अहमदाबाद में एक कहावत है कि कोई भी गेस्ट आए बाहर से तो वो खाली वो नहीं जा सकता, वो मीठा मुंह करके ही जाना चाहिए। अच्छा, तो ये कहावत सच हो रही है यहाँ पे भी कि कुछ खा के ही जाना है तो मीठा जरूर खाना। तो भाई ये खाएंगे, टेस्ट करेंगे अभी। और बहुत देर से बात चल रही थी, कल भी बात हो रही थी कि मिलेंगे, बट आज पॉसिबल हो पाया। शाम का टाइम दे रखा था हमने 5 बजे का, यहाँ पे हम मिलेंगे जो भी लोग मिलना चाहते हैं। एक्चुअली मैं इनका ब्लॉग बहुत टाइम से, मतलब जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, और बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स हैं, पर इनकी कंपेरिजन में मैं गौरव तिवारी का भी बहुत सारे वीडियो देखता था पहले, पर मेरे को इनकी वो लेवल के हिसाब से मतलब वो वीडियो बनाते हैं। अरे भाई थैंक यू सो मच यार, और देखने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब थैंक यू सो मच भाई। तो ऐसे ही बाबू प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप सभी का, जैसे भाई प्यार करते हैं आप भी प्लीज़ करिए। और भाई से बात कर रहे हैं, फिर बताते हैं मिलते हैं क्या कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं अहमदाबाद की मोस्ट फेमस लोकल फूड प्लेस पे, जिसका नाम है माणिक चौक, और यहाँ पे मिलता है अहमदाबाद का बेस्ट फूड। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर एक वो लाजवाब खाने की चीज़ें मिलेंगी जो कि आप चाहते हैं खाना। तो आइए अहमदाबाद में, तो यहाँ पे ज़रूर जाना और भूल ना जाना। सो फाइनली बाबू मैं आपको बता देता हूँ, मैं रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो लेट चेक इन किया था। उससे पहले मैं आप सभी को रूम दिखाता हूँ, कितना प्यारा रूम है, बहुत ज़बरदस्त रूम है। तो ये है एक पेंट्री, ये एंट्रेंस के बाद ये छोटा सा वॉशरूम, काफ़ी क्लासी है, और ये है एरिया पूरा लिविंग रूम, ये पूरा डाइनिंग टेबल यहाँ पे है। और आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक मॉल है अहमदाबाद वन, ये सामने आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद ये है अपना सिटिंग एरिया, यहाँ पे सोफाज है। मुझे ये लगा था कि हम दो बंदे यहाँ पे क्या करेंगे, बोर हो गए, ऑल्दो हमने ज्यादा टाइम नहीं, बस हम रात को यहाँ पे लेट आए और यहीं पे सो गए थे। और आपको दिखाता हूँ मैं अपना बेडरूम, कैसे पता चलेगा कि एक लड़का बेडरूम में रुका है, मैं बताता हूँ। हालत देखिए यहाँ से, वैसे बड़ा क्लासी है, ये हमारा बेड, ये सोफा, ये हमारे बैग्स, वो लैपटॉप बैग्स, और उसके बाद जो सबसे प्यारा लगा मुझे वो ये है। यहाँ पे देखिए, और ये रहा बाथटब, ये रहा नहाने के लिए बाथरूम, ये वॉशरूम, और एक ये जगह बहुत क्लासी है, बहुत ज्यादा क्लासी है, मजा आ गया सच में यहाँ पे। और मतलब हम दो बंदों के लिए काफी बड़ा है मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे रुके, ऑप्शन नहीं मिल रहा था, बस फटाफट हमने यहाँ पे मतलब लाइक बुकिंग करी और मजा आया वैसे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, प्लीज इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे फॉलो कर लीजिए, सो डेट आपको मेरी लाइव अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और एक और बात वो ये है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं राजकोट की तरफ, और राजकोट की तरफ एक हॉन्टेड प्लेस है अवध पैलेस, सभी ने सुना होगा। तो अब हम पहले वहां जाके पता करेंगे कि क्या वो शूट हो सकती है या नहीं हो सकती, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहां से निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारा लगेज है, खैर ये तो वो लेके चले जाएंगे नीचे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजकोट में, और अभी थोड़ा सा हमने कुछ खाया था, यही दबेली और ये सब वड़ा पाव वड़ा पाव जो यहाँ पे फेमस है। और अभी हम इसके लिए रुके थे, अब निकल रहे हैं फिर से, शायद 200-250 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है, थोड़ा सा और रह गया है। और यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है सारंगपुर में हनुमान जी का, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं पाए,
बहुत शोर आ रहा है, वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अब नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे वहाँ पे जाने का, तब तक के लिए अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखाते रहेंगे।